हेलो व्यूवर्स आई होप कि आप ठीक होंगे वो स्टूडेंट्स जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं या उनकी एफएससी मुकम्मल हो चुकी है या होने वाली है और वो इंग्लैंड में अंडर ग्रेजुएशन के लिए आना चाह रहे हैं मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ई मेल्स आई तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं एक वीडियो ही बना दूँ अगर आप यूके में अंडर ग्रेजुएशन के लिए आना चाह रहे हैं और खसूसा वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आईटी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग उनके लिए यू एक बहुत अच्छा मुल्क है यूके में इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल शॉर्टेज है खूबसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी इंजीनियरिंग में यहाँ पे आ रहे हैं तो आप के लिए यह मुल्क बहुत अच्छा है यूके में आने के लिए यूके की यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट के लिए वो है इंग्लिश सर्टिफिकेट यानी कि आयल्स अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो आपके पास सिक्स बैंड के साथ आयल्स का स्कोर होना ज़रूरी है विदाउट दिस आपका एडमिशन होना इम्पॉसिबल है यूके के वाद मुल्क है जहाँ पे आयल्स के बग़ैर अब एडमिशन नहीं होता इसीलिए लिए आयल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास आयल्स भी है और आपके एफएससी में सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपके लिए यूके में आना बहुत ज़्यादा आसान है एक जो और मेन रिक्वायरमेंट है यू में आने के लिए वो है बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आपके अकाउंट में 28 से 35 लाख रुपए होने बहुत ज़रूरी हैं अगर इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होगी वन मंथ से तो फिर ही आपका यूके में एडमिशन होगा और फिर ही आपका अम्बेसी से वीज़ा जो है वो सक्सेसफुल होगा अब एक और बात कि अगर आप यूके में आते हैं तो क्या यूके में स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं जी हाँ यूके में हर स्टूडेंट को जो यहाँ पे स्टडी वीज़ा के पे आता है हर स्टूडेंट को 20 घंटे एक हफ़्ते में 20 घंटे जॉब अलाउ होती है और हॉलीडेज़ के अंदर आपको फुल टाइम यानी कि हफ़्ता और इतवार आपको फुल टाइम जो है या इसके अलावा जो ईस्टर की हॉलीडेज़ आती हैं और भी हॉलीडेज़ होती हैं उनके अंदर आपको फ़ुल टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं इसके अलावा यूके में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं पार्ट टाइम जॉब्स के होटल्स के अंदर रेस्टोरेंट्स के अंदर एग्रीकल्चर की फील्ड में और इस तरह जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनके अंदर और सिक्योरिटी की भी जॉब्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप यूके में आ जाते हैं और आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाती है तो क्या यूके आपको कोई इमिग्रेशन का चांस इधर क्या आपके पास है जी हाँ यूके में अगर आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाती है तो आपका वीज़ा जो है वो दो साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है और ये बहुत फरसा होता है कि इसमें आपको जॉब ऑफ़र आ जाती है और अगर आपको जॉब ऑफ़र आ जाए और आप यूके में लीगली पाँच से छः साल यहाँ पे आप गुजार लें तो उसके बाद आप यूके के पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो इसके अलावा यहाँ पे इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है अगर आप इंजीनियरिंग में आना चाह रहे हैं और आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप इंग्लैंड में आएं यूके में आए यू में अभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ और भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं और उसमें और ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा आसानियाँ होंगी और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट वो ये है कि यूके क्या सेफ़ है सिक्योर है इस वक्त यूके बहुत सेफ़ और सिक्योर मुल्क है यूके में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता स्टूडेंट्स को और यूके में जो अकोमोडेशन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन अगर आपकी एवरी uh, मंथ जो है पाँच से छः सौ तक आपकी अर्निंग हो रही है पाउंड्स में तो आपके लिए यहाँ पे अकोमोडेशन और uh, खाने पीने का जो एक्सपेंस है वो आपका इजीली आपके लिए अफोर्डेबल है उसके अलावा अगर आप यूके में आना चाह रहे हैं तो खुदारा आप एजेंट्स के थ्रू बिल्कुल ना आए यूके की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और बड़ा इजीली एडमिशन हो जाता है आपको किसी किस्म के कोई एजेंट्स को या एजेंसीज़ को आपको उन उनके साथ आपको रबते की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा अगर आप यूके में आना चाह रहे हैं और आपको किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मेरे ईमेल पर मुझसे रबता कीजिए वीडियो देखने और वीडियो शेयर करने का बहुत शुक्रिया